यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए शिफ्ट टू का पेपर है ये। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो क्या है समझिएगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 1/60 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 81 इंटू 2x² माइनस 3/x² का होल पावर 6। अब देखिए इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, तो इससे हम दो टर्म निकाल लेंगे तो इंडिपेंडेंट टर्म मिलेंगे। एक ये 1/60 इसके कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो, और एक 1/x², याद रखिएगा 1/x² इस x² से मल्टीप्लाई हो तो इंडिपेंडेंट टर्म मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने एक डायरेक्ट जो टेक्निक बताई है, एक्स पावर जेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स पावर बी प्लस बी एक्स पावर क्यू होल पावर एन, इसके लिए वो आप डायरेक्ट यूज करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू लिख लेते हैं 6 - r इन टू 2 - 2r, यानी बेसिकली 12 - 4r। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए। एक तो एक्स स्क्वायर का एक तो चाहिए हमको फ्री, एक्स की पावर 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। 0 रखा तो आपको मिला r की वैल्यू 3, एक आ गई। एक वैल्यू रख दीजिए -2 इक्वल टू 12r माइनस ऑफ 4, तो कितना हो जाएगा 4r इक्वल टू 14, देन r इक्वल टू 14/4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको एक टर्म लेना था ऐसा जो कि इंडिपेंडेंट हो। अब क्या होगा, r इक्वल टू 3 से इसका जब हम थर्ड टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म, तो क्या आएगा बताइए, 3 + 1, तो आप लिखते 6c3 इन टू, ध्यान दीजिएगा, इन टू 2 की पावर 3 एंड -3 की पावर 3। अब ओवरऑल क्या हो जाता, इसका इंडिपेंडेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई होता, तो आप लिखते 1/60 63, यानी 20, 2 का क्यूब यानी 8, एंड -3 3 3, राइट। अब कितना हो गया, देखिए ये 3 टाइम कैंसिल, ये 3 से 1 3 भी कैंसिल, ये मिला -9 इन टू 8 यानी -72। यस, तो ये -72 आया। देखिए ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, हो सकता है ये ऑप्शन माइनस वो 108 ना हो, -72 हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब हो, इससे भी टर्म मिल सकता है, पर अभी नहीं मिल रहा। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना ये था, और आई थिंक यही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 2-3 लोगों के थ्रू जो मिला वो यही है, 1/60 - x² / 81 + 2x² - 3/x² की पावर 6। बट अगर यहाँ स्क्वायर या क्यूब होता तो हो सकता था कि आपको यहां पर r की वैल्यू कुछ और मिल सकती थी, राइट, नोट कर लीजिए। पर अभी मुझे लगता है ये जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, -72। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्राइंगल हैविंग अ वर्टेक्स 1, 2 हैज मिड पॉइंट ऑफ साइड पासिंग फ्रॉम दिस वर्टेक्स इज -1, 1 एंड 2, 3, देन द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आप समझिएगा, ये ए है 1, 2, इस वर्टेक्स से पास होने वाले साइड के मिड पॉइंट दिए -1, 1 एंड 2, 3, आपसे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पूछा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये 1 है, ये -1 है, तो ऑब्वियसली ये -3 होगा, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 0 हो गया क्योंकि मिड पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या होगा 3, ये 2 है, 3 है, तो क्या होगा 4। अब आपको सेंट्रोइड बोला है, तो सम ऑफ एब्सिसा बाय 3, तो 1/3, 2 + 6, 6/2 इज करेक्ट आंसर, इज 1/3, 2। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सब सिंपल सा लॉजिक है कि मिड पॉइंट दिए हुए थे तो आपको ये पता है कि अगर मिड पॉइंट दिए तो ये 1 है, इसको एक्स वाई मानते हैं, पर ये टाइम भी वेस्ट मत करिएगा, सीधा सीधा लॉजिक है, जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा। तो 1 और -1 में कितने का डिफरेंस है, 2 में, तो 2 का डिफरेंस ले लिया, ये 2 और 1, 1 का डिफरेंस है तो 1 का ले लिया, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो सीधे आपने सेंट्रोइड फाइंड आउट कर दिया, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एन एलिप्स विद फोकाई 0 + -2 हैज लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस इज 4 यूनिट, देन द एलिप्स विल पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी एलिप्स किस पॉइंट से पास। अब देखिए फोकाई को देख के समझ में आता है कि जो एलिप्स है वो वर्टिकल होगा लाइक दिस, और इसका जो फोकाई है वो 0, 2 दी हुई है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली कि जो भी ग्रेटर क्वांटिटी उसे आप हमेशा ए लिखें लाइक दिस, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ए ई को कंपेयर करेंगे तो 2 दिया है, 2b = 4 है, देन b = 2 है, राइट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपके पास ए ई भी है, बी भी है, b² = होता है a² × 1 - e², या ऐसा भी बोल सकते हैं 4 = a² - a² e² यानी 4, तो a² = 8, a² 8 आ गया, b² 4 आ गया, रख दीजिए, तो x² / 4 + y² / 8 = 1,
या ऐसा भी बोल सकते हैं 2x² + y² = 8। अब इसको जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगर यहाँ 2 रख दें तो 4 2 8 ये नहीं कर रहा होगा। इसको देखें, √2² = 2, 2 2 = 4, देन दिस इज द राइट आंसर। √2, 2 इज अ राइट आंसर, क्योंकि जैसे ही √2 रखते हैं तो 2 2 = 4 और +4 = 8। कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार ए बी की मिस्टेक होती है, थोड़ा सा उन्होंने रोटेट किया। और मैंने आपको पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि जब भी मेजर एक्सेस जो भी हो उसको ए मानो और माइनर एक्सेस को बी, तो आपसे कभी भी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y² = 16x। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल हाइपरबोला दिया है, xy = -4, राइट, xy = -4। अब आपको इसमें बताना है कि इसकी कॉमन टेंजेंट क्या होगी। देखिए, सबसे पहले कॉमन टेंजेंट का मैंने इनफैक्ट टेंजेंट का जो जनरल कंसेप्ट बताया था वो यूज करिए कि किसी भी इक्वेशन की जो टेंजेंट होती है कर्व में पुट कर दो तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। पर अब इसको हम कैसे सिंपल वे में करें वो समझते हैं। सपोज y = mx + c, इसकी टेंजेंट हो तो c = होता है a/m, राइट। अगर हम थोड़ी देर के लिए ऑप्शन ए पे जाएं तो m की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, a/m, a है 4, 4/1 = 4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक और बात सुनिए, मतलब y = x + 4, एक तो ये आ गया केस। अब ये इसकी टेंजेंट है कि नहीं वो देखना है, पर और कोई भी हो सकता है कि नहीं वो देख लीजिए। तो और कोई के इसलिए चांस नहीं है क्योंकि y = -x हो जाएगा, ये y = -2x हो जाएगा, इसलिए इसके बस एक ही बचता है y = 2x + 8। तो यहां पर अगर हम देखें तो c की वैल्यू होती है a/m, a है 4, m है 2, राइट, नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व ही ना करें तो हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है जो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर हुआ y = x + m, क्योंकि y = mx + c अगर पैराबोला की टेंजेंट है तो c की वैल्यू a बाय m होना चाहिए। m कितना है, 1, a 4 है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अभी कंसेप्ट के लिए बता देता हूं कि बाई चांस 2 or more than 2 ऑप्शन कर रहे होते तो क्या होता। अभी तो आपने आंसर लगा दिया, आगे बढ़ गए। बाकी अगर मान लीजिए अब जैसे ये कर रहा है, तो एक चीज याद रखिए कि ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है, इसके कर्व में पुट कर दो y की जगह, तो x * x + 4 + 4 = 0 मीन्स x² + 4x + 4 = 0। अब आप इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे b² - 4ac तो कितना आएगा, 16 - 16 = 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 मीन्स ये भी टेंजेंट की इक्वेशन हुई, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। पर इसको आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली लगा सकते थे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, प्लेन का क्वेश्चन है, द पॉइंट लाई एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि सब कंसेप्ट है। मैं कंसेप्चुअली बता देता हूं कि करना क्या है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, इसके बाइसेक्टर की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होता है एक्स प्लस, नॉर्मली हम करते हैं x + 2y + 2z - 6/3 = ± 2x - y + 2z + 4/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो जैसा दिख रहा है वही मिलेगा, तो x - 3y जेड से जेड कैंसिल +10 = 0। और जब एक बार आप नेगेटिव साइन लेंगे तो याद रखिएगा थोड़ा केयरफुल रहिएगा नेगेटिव साइन में। अब मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि हम ये पेपर्स मेमोरी बेस्ड बना रहे हैं तो कुछ जगह पर पॉसिबिलिटी की या तो ऑप्शन या कुछ क्वेश्चन में, पर कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो समझिएगा। तो ये हो गया 3x + y + 4z - 2 = 0। अब इसको जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो करेक्ट होगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए रखूँ -2 - 12, ये नहीं कर रहा है। इधर बी पे आओ, इसमें भी देख लो एक बार रख के, तो -6 + 8 ये नहीं कर रहा है। बी पे देखो -3 + 3 - 8 - 2 ये भी नहीं कर रहा है। ये वाला रख के देखें तो -3 - 3 + 8 - 2 ये कर रहा है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। पर इसमें हो सकता था शायद ऑप्शन या क्वेश्चन में कुछ डेटा इनकरेक्ट हो, तो डिपेंड ऑन क्वेश्चंस, राइट, नोट कर लीजिए।